आदरणीय अन्ना जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मनिंदर जी, गोविंद जी, मेरी टेक्निकल टीम, साथियों, अगस्त 2011 में सारे देश ने अन्ना जी को रामलीला पर भारत माता की जय ये हुंकार भरते सुना है, देखा है, उसको महसूस किया है। और उस हुंकार के पीछे सारा देश अन्ना जी के साथ में खड़ा हो गया था। उस सारे देश के बीच में मैं भी एक वो लड़का था जो अन्ना जी से इंस्पायर हुआ था। पहला थॉट ये था कि इस उम्र में अन्ना जी सरकार से क्यों झगड़ रहे। जब रात को अन्ना जी ने कहा कि जब तक सरकार मुझे आंदोलन के लिए जगह नहीं देगी, मैं जेल से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे ऐसे लगा ये आदमी दुनिया में जो भी सोचे वो कर सकते हैं। और भारत माता की जय बोलते से ही सारा देश जिस आदमी के पीछे खड़ा हो जाता था, ऐसे आदमी, ऐसे राइटर, ऐसे कैरेक्टर, मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसी क्या ताकत है इस खासियत में, इस शख्सियत में क्या खासियत है जिसके एक आवाज़ में इतनी ईमानदारी है, इतनी सच्चाई है कि सारा देश अन्ना अन्ना करने लगा था। और वो रीज़न था कि मेरे अंदर के राइटर को ऐसा लगा कि अगर इनकी जर्नी मैं खोज पाऊँ तो एक फिल्म बन सकती है। और जब मैंने जर्नी खोजनी शुरू की, सवा साल डेढ़ साल में भिंगार, रालेगन, तिहार जेल, काफ़ी जगह गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी, अन्ना जी की स्टोरी जो है, ये इंडिपेंडेंस के बाद की भारत की, आज़ादी के बाद की भारत की स्टोरी है। भारत का जो रियल विकास है उसकी स्टोरी है। अन्ना जी की जो सक्सेस है, अन्ना जी की जो शख्सियत है, वो हिंदुस्तानी मिट्टी की सक्सेस है। हम सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं लेकिन उसके साथ में बाय प्रोडक्ट में दुख पाते हैं। अन्ना जी के हमेशा कहते हैं कि मुझे जब भी मैं सोता हूँ मुझे नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो सक्सेस एक ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के नौजवानों को एक हीरो की ज़रूरत है, जो फिर से हमें एक बार हमारे हिंदुस्तानियत की बात दे, वो शख्सियत अन्ना जी में है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारे देश का नौजवान फिर से एक बार एक नई सोच लेके खड़ा हो जाएगा। ये रीज़न था मैंने अन्ना जी पे फिल्म बनाने का सोचा। So sir, as we all know that the movie has been shot in very difficult weather situation. Would you like to share that experience? हमने तो सिर्फ एक्सपीरियंस किया है। मैं तो ये सोचता हूँ अन्ना जी ने ज़िंदगी कैसी जी होंगी। जब जब मैं शूटिंग करता था, हम तो एक दो दिन शूटिंग करते थे, मैं सोचता था अन्ना जी ने इतने साल यहाँ कैसे गुजारे होंगे। एवरी मोमेंट हमने बहुत, मतलब वो जर्नी जब शूट करते थे हम, वो हम काफ़ी बाद में लेंथ में डिस्कस करेंगे। 5 साल हुए ये सपना देखा था, आज ये सपना पूरा होने को है। अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा, बहुत से लोगों की मेहनत होती है इस सिनेमा बनने के पीछे। आज मैं अपने टेक्नीशियंस का, अपने एक्टर्स का थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिल्म सिर्फ कलाकारों से नहीं बनती, फिल्म बनाने को बहुत सा पैसा लगता है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है जो फिल्म को बैक करे, स्पेशली अन्ना जैसी फिल्म को बैक करे। क्योंकि जैसे सभी लोग बोलते हैं कि ऐसी फिल्में सालों में एक बार आती है, तो उसका, उस फिल्मों को बनाने का मेंटेलिटी भी प्रोड्यूसर में अलग होती है। तो मैं इस वक्त हमारे इस फिल्म के निर्माता मनिंद्र जी जैन को मैं सादर यहाँ आह्वान करता हूँ, प्लीज़ आइए और अपने दो शब्द कहिए।